दोस्तों वर्टिगो यानी कि चक्कर आना एक आम परेशानी है जिसके लिए आप लोग दुनिया भर के डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार हज़ारों रुपए दवाइयों और टेस्ट पे खर्च करने के बाद भी कई लोगों को अपने चक्कर आने की परेशानी से पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल पाता। दोस्तों मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट, और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चक्कर आने की प्रॉब्लम के सबसे मेन कारणों के बारे में। साथ ही मैं आपको यह बताऊंगा कि इसका इलाज क्या किया जाता है, और इन चक्कर आने की परेशानी का अगर आपको आती है तो किस डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। दोस्तों चक्कर आने की परेशानी का जो सबसे पहला कारण है वो है BPPV यानी कि बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। ये जो BPPV की प्रॉब्लम है वो मूवमेंट करने पर या पोजीशन चेंज करने पर आपको कुछ सेकंड के लिए बहुत इंटेंस, बहुत ही तेज चक्कर लगते हैं। आमतौर पर ये चक्कर कुछ ही सेकंड के आते हैं, पर आप सोचिए अगर आपको पूरे दिन में आपने टोटल 200 बार अपनी पोजीशन चेंज की है, गर्दन घुमाई है या उठ के बैठे हैं, तो 200 बार ये इंटेंस चक्कर के बाउट्स आपको कुछ सेकंड के लिए लग सकते हैं। वैसे तो BPPV को बेनाइन यानी कि सीरियस प्रॉब्लम नहीं करने वाला माना जाता है, पर हज़ारों पेशेंट्स देखने और उनको ठीक करने के बाद मेरा ये मानना है कि BPPV की प्रॉब्लम पेशेंट्स की डे टू डे लाइफ तो मुश्किल बनाती ही है, पर ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि फोबिया और डिप्रेशन जैसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकती है, स्पेशली उन लोगों में जिन्होंने इसका ढंग से प्रॉपरली इलाज नहीं लिया है। दोस्तों BPPV की प्रॉब्लम्स के लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स जो महीनों सालों से परेशान थे उनको भी इस बीमारी से छुटकारा दिला चुका हूँ। अगर आप भी पोजिशनल वर्टिगो से सफ़र कर रहे हैं तो आप हमारी BPPV के वीडियोस की प्लेलिस्ट और पेशेंट फीडबैक ज़रूर देखें। साथ ही में वीडियो कॉल से आप कैसे सक्सेसफुल इलाज ले सकते हैं यह भी ज़रूर देखें। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर आप उन वीडियोस को चेक करें। ऑलराइट गाइस, चक्कर आने का जो दूसरा कॉमन कारण है वह है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस एंड लेब्रिंथनाइटिस। अच्छा, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस भी इनर ईयर की ही एक प्रॉब्लम है जैसे कि BPPV है। इसमें बेसिकली जो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व है जो कि कान से बैलेंस की सेंसेशन दिमाग तक लेके जाती है, वो नर्व इन्फ्लेम्ड हो जाती है। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस में केवल वेस्टिबुलर नर्व यानी कि बैलेंस की सेंसेशन ले जाने वाली नर्व ही इन्फ्लेम्ड होती है, जबकि लेब्रिंथनाइटिस में सुनने वाली नर्व भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिससे कि आपको चक्कर आना, बैलेंस में प्रॉब्लम रहना, नौजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस जैसी फीलिंग आपकी बनी रहती है, साथ ही में सुनने की क्षमता कम होना या कान में साएं साएं या टिंग टिंग जैसी आवाज़ आना भी महसूस हो सकता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम के साथ आपको 3 से 4 हफ्ते आपके काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं, जिसमें आपको बहुत तेज़ चक्कर जैसा महसूस हो सकता है और हर टाइम पर आपको नौजिया और वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण वायरल इन्फेक्शन जैसे कि जुखाम बुखार यानी कि फ्लू, हर्पीज वायरस, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस जैसे वायरस की होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस होने पर आपको एक ENT डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपके चक्कर की और वॉमिटिंग की आपको दवाई देंगे। साथ ही में आपको किसी स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर ये हो रहा है तो एंटीवायरल मेडिसिंस जैसे कि एसाइक्लोविर जैसी दवाइयां भी दी जा सकती हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको चक्कर आने की और बैलेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे भी आपको काफ़ी आराम आएगा, और पूरी रिकवरी के लिए उनको सीखना और करना बहुत ज़रूरी भी है। वर्टिगो की एक्सरसाइज सीखने के लिए आप हमारे चक्कर आने की एक्सरसाइज वाला जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें, और उसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हमने आपको सिखाई हुई हैं उनको स्टेप वाइज सीखें और उसी तरह से करें। दोस्तों चक्कर आने की प्रॉब्लम का जो तीसरा बड़ा कारण है वो है मिनियस डिजीज़। मिनियस डिजीज़ भी कान के अंदरूनी हिस्से की ही परेशानी है।
इंटेंस रिसर्च के बावजूद अभी तक साइंस इस बात का पूरी तरह से पता नहीं लगा पाई है कि मिनियर्स डिजीज़ आखिर क्यों हो जाती है। पर हम ये जानते हैं कि मिनियर्स डिजीज़ में आपके इनर ईयर में एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। ये माना जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके इनर ईयर से जो फ्लूइड का ड्रेनेज है उसमें किसी प्रॉब्लम आने के कारण होती हो। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसके पीछे के कारणों में गिने जाते हैं। मिनियर डिजीज़ में आने वाले चक्कर BPPV के चक्करों से थोड़े अलग किस्म के होते हैं। इसमें आने वाले चक्कर कई बार 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूसली फील हो सकते हैं। कई बार ये चक्कर मूवमेंट करने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते और कंटिन्यूसली बने रहते हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन में किसी भी मूवमेंट में बैठ जाएं या लेट जाएं। जबकि BPPV में ये चक्कर कुछ सेकंड से आधे या एक मिनट तक ही महसूस होते हैं और आमतौर पर उसके बाद बंद हो जाते हैं। दोस्तों, मिनियर्स डिजीज़ में एक बड़ा लक्षण ये भी है कि आपको अफेक्टेड कान, मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम मिनियर्स डिजीज़ जिस कान में आई है उस तरफ से सुनाई देने में कमी महसूस होना शुरू हो जाता है। साथ ही उस तरफ के कान में आपको साएं साएं या टिन टिन जैसी आवाज़ सुनाई देना, जिसे कि टिनाइटिस कहते हैं, वो भी लग सकता है। इसके अलावा कान में भरा हुआ यानी कि स्टफीनेस महसूस भी हो सकती है। मिनियर्स डिजीज़ को एक क्रॉनिक इलनेस यानी कि लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी माना जाता है। इसके इलाज में आपको स्पिनिंग की सेंसेशन कम करने वाली दवाइयाँ, उल्टी रोकने वाली दवाइयाँ, डायूरेटिक्स जैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं। साथ ही में आपको नमक कम खाने को और कॉफ़ी, अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी आपकी हैबिट्स को रोकने को भी बोला जा सकता है। इसके इलाज में आपको स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन भी आपको एडवाइस किया जा सकता है और कुछ रेयर केसेस में आपको सर्जरी भी सजेस्ट की जाती है। याद रखें, आप मिनियर्स डिजीज़ में भी वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज जो हमने अपने चैनल पर बना रखी हैं, चक्कर आने की एक्सरसाइजेज, उनको आप सीखें। आपको कुछ आराम तो इन एक्सरसाइजेज करने से भी ज़रूर लगेगा और आपके लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन में और अच्छी आउटकम के लिए आपको इन एक्सरसाइजेज को ज़रूर सीखना चाहिए और करना चाहिए। दोस्तों, चक्कर आने की जो चौथी कॉमन प्रॉब्लम है वो है वेस्टिबुलर माइग्रेन। अगर आपकी माइग्रेन की हिस्ट्री रही है जिसमें आपके सर दर्द के साथ साथ कई मिनट तक या घंटों तक आपको चक्कर आना महसूस होता रहता है, साथ ही में आपको नौजिया और वॉमिटिंग भी लगती है, शरीर का बैलेंस बिगड़ता हुआ महसूस होता है और साथ ही में कन्फ्यूजन और इम्बैलेंस जैसा भी लगता है, तो ये कंडीशन माइग्रेन के कारण हो सकती है और इसको वेस्टिबुलर माइग्रेन कहा जाता है। इसके इलाज में माइग्रेन की दवाइयाँ, चक्कर को कम करने की दवाइयाँ, उल्टी की दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं। माइग्रेन के बहुत सीवियर एपिसोड्स में आपको ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, SSRIs, SNRIs जैसी दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम होने पर आपको एक अच्छे हेडेक स्पेशलिस्ट से यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट, जिनका स्पेशलाइजेशन हेडेक या माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में रहता है, उनसे जाकर मिलना चाहिए। आजकल आपके फ़ोन में भी, इंटरनेट में भी आपको बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स का फीडबैक और जो उन्होंने पेशेंट ठीक किए हैं और उनकी स्पेशलिटी के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, तो आप जाकर किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें। दोस्तों, चक्कर आने का पांचवा कारण जो है वो बहुत कॉमन नहीं है, पर ब्रेन डिसऑर्डर्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि ट्यूमर हो गए, स्ट्रोक, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, चियारी मेलफॉर्मेशन, पोस्ट कंकशन सिंड्रोम और स्पाइनोसेरेब्रलर अटैक्सिया जैसी कंडीशन भी चक्कर आने का कारण बन सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको जाकर एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आमतौर पर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा सीवियर मानी जाती हैं और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, चक्कर आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स, वेस्कुलर प्रॉब्लम्स, कई तरह की दवाइयाँ चक्करों का कारण बन सकती हैं, ड्रग्स और अल्कोहल का ओवरडोज होने से भी चक्कर आ सकते हैं, लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर होने से भी चक्कर जैसा
या फिर गिडीनेस जैसा आपको महसूस हो सकता है। अगर आपके चक्कर आने की प्रॉब्लम बहुत नॉन स्पेसिफिक रही है तो आप एक अच्छे फिजिशियन के पास जाकर अपनी चक्कर आने की प्रॉब्लम को उन्हें बता सकते हैं और अपने सिम्टम्स से उनको बता सकते हैं कि कैसे वो सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, और उनके बताए गए रेफरल पे, यानी कि अगर वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको भेजते हैं तो आप उनको जाके दिखाएं, एक वेस्टिबुलर फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर आपको भेजा जाता है तो उनको दिखाएं, या फिर अगर आप एक ENT के पास आपको भेजा जाता है तो उनको आप ज़रूर जाकर दिखाएं। दोस्तों, मैं एक वेस्टिबुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं आपको चक्कर आने की समस्या और बैलेंस की समस्या के लिए कई तरह के मैन्यूवर्स और एक्सरसाइजेस सिखाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही जनरल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, जिसमें मैंने सारी तरह के मैन्यूवर्स के लिस्ट बनाई हुई है। साथ ही में वर्टिगो की प्रॉब्लम के जो 10 स्टेप की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी मैं मेंबरशिप में डाल रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही सस्ती और पॉकेट फ्रेंडली मेंबरशिप है, इसलिए यूट्यूब पर आप मेरी मेंबरशिप कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बने और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी। मैं हूँ विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। सी यू सून।